हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीडियो विद बिमला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे पतिदेव है ना, आप लोग देख रहे हैं, वो बैठे हैं मूंगफली खा रहे हैं और हमसे बोल रहे हैं कि यहीं बैठ के मूंगफली खाओ। तो चलिए दिखाते हैं कि हम लोग कैसे, क्योंकि इनको छुट्टी तो रहती नहीं, शनिवार इतवार दो दिन की छुट्टी रहती है। तो उसी दो दिन की छुट्टियों में ये सोचते कि अगर हम पूरे दिन धूप मिले तो हम धूप में ही बैठे रहें। ठीक है, और बताइए, इतने बजने वाले हैं, ये अभी भी धूप में बैठे हैं जबकि धूप जाने वाली है, और हमसे भी बोल रहे हैं बैठो, जबकि हम कह रहे हैं कि नहीं अंदर चलिए, कहते नहीं यहीं बैठो थोड़ी देर और बैठो, यहाँ पे मूँगफली खाना है। तो अब इनके साथ इन्होंने ज़बरदस्ती मुझको बैठा रखा है, अब देखिए हम भी मूँगफली खाते हैं। ये है इनका दोस्तों, जाड़ों में धूप सेकने का अपना एक अलग आनंद है, जो कि हम ऑफिस वालों को जो है छुट्टियों के दिन में ही मिलता है। केवल धूप खाना जो है बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय में। अक्सर पेपर में पढ़ने को मिलता रहता है कि विटामिन डी की कमी लोगों में हो रही है, बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी है, तो उसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका धूप में बैठना है। पहले हम लोग जो है बचपन में धूप में खूब रहते थे, लेकिन वर्तमान समय में धूप में रह पाना लोगों के लिए थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि समय नहीं मिलता, बच्चों को स्कूल जाना होता है, कोचिंग जाना होता है, सारे लोग अपने अपने उनके अपने व्यस्त शेड्यूल हैं, छुट्टियों के दिन में ही सारे घर के जो अन्य ज़रूरी काम हैं वो करने होते हैं। तो फिर भी दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मौका लगे तो आप सभी लोग भी जो है धूप में अवश्य बैठिए। और बाकी जुमला जी, अगर आप लोगों से और कुछ कहना चाहें। दोस्तों, हम आप लोगों से ये कहना चाह रहे हैं कि बताइए, ये तो कोई बात नहीं होती है, ये मुझको ज़बरदस्ती धूप में बैठा लेते, जबकि मतलब धूप मुझे बहुत लगती है। हम इनसे अब ये तो अपना धूप रहती तो अपना सर ढक लेते हैं कि मतलब चेहरे पे धूप ना लगे, तो कहते नहीं चुन्नी हटाओ और पूरी धूप लो, क्योंकि इसमें विटामिन डी होती है, और विटामिन डी नहीं मिलती है तो लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, जैसे हड्डियों से संबंधित और तमाम तरह की इस तरह की दिक्कतें होती हैं। आप बताइए, मेरे काम घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन इनका इनकी कोशिश रहती है कि 10 बजे के बाद हम यहीं पर बैठे रहें। मुझको ज़्यादा बाहर बैठना नहीं पसंद है। और तो है क्या कि वो सही बात है, लेकिन यह है कि धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है, और हम सोचें कि सारे काम करके धूप में बैठा जाए वो भी संभव नहीं है। तो यह है कि अपना छुट्टियों के दिनों में तो जो है अपने ज़रूरी कामों का संयोजन इस तरह से कर लिया जाए कि धूप में बैठने का मौका मिले। तो धूप में दोस्तों ज़रूर बैठना चाहिए, ये मैं सभी लोगों से कहता हूँ, विमला जी को भी कहता हूँ, लेकिन ये बहुत अपना घरेलू कामों को कहती नहीं, पहले मैं वो कर लूँ इसके बाद बैठूँगी, या कोशिश करती हैं कि जो है कम बैठना पड़े, लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, धूप में बिल्कुल बैठना चाहिए। हालांकि इस समय तो धूप लगभग जा चुकी है या जा रही है, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं, बस अब उठने ही वाले हैं, इन्होंने एक वीडियो शूट करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लो। और दोस्तों, विमला जी की तरफ से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इनके चैनल को जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ सके। हालांकि आप लोगों का बहुत सहयोग है, आप लोग बहुत अच्छा सहयोग आप लोगों ने दिया है, सभी लोगों ने, कि सब्सक्राइबर्स इनके इस समय 746 हैं, और मैं निवेदन विमला जी की तरफ से करता हूँ कि आप सब लोग जो भी अपने दोस्तों से कह के या अपने घर में और भी लोगों से कह के इनके चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़वा दीजिए। और मान लीजिए सब लोगों ने अपने यहाँ कर रखा है इनका सब्सक्रिप्शन, तो आपसे अनुरोध करेंगे कि इनके वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो उससे भी चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा। दोस्तों दोस्तों आप लोगों के सहयोग की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर सहयोग दीजिए। विमला जी कुछ कहना चाहेंगे आप? फ्रेंड्स है क्या, ये हमसे आज बोले थे घुमाने ले चलेंगे, ठीक है, आप बताइए व्हील चेयर हमें कैसे घुमाने ले जाएंगे,
काफ़ी समय हो गया हम बाहर नहीं गए, और ऊपर से घर के इतने काम रहते हैं तो कभी कभी बाहर निकलने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कहेंगे नहीं बाहर का मतलब धूप में बैठ जाओ, यही है बाहर। नहीं दोस्तों, इनको मैं ले जाऊंगा। एक्चुअली अब मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक हुआ है, लेकिन मैं अभी बैसाखियाँ अपनी नहीं लगा के चल पा रहा हूँ। कैलिपर तो पहन रहा हूँ लेकिन बैसाखियाँ नहीं लगा के चल रहा हूँ। डॉक्टर से सलाह लेके दवाइयाँ भी ले रहा हूँ, करीब 10 दिन बाद डॉक्टर साहब को दिखाने दोबारा जाना है, तो उम्मीद है कि मुझे जैसे ही तुरंत आराम मिलता है तो हम लोग, मेरा खुद इच्छा है कि कहीं बाहर घूम के आऊँ, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे बाहर घूमने। ठीक है बिमला जी, ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोग से अपने अगले वीडियो में। ओके।